हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार बहुत जरूरी बताए गए हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने ये भी बताया है कि शादीशुदा महिलाओं को किसी के साथ कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बांटनी चाहिए। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुछ चीजें जो सुहाग की चीजें होती हैं वो बांटने से बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप भी सुहाग के कुछ चीजें दूसरों को बांटती हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए। ये चीजें बांटना आपके जीवन में कलेश ला सकता है। अब वो चीजें क्या हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। मांग का सिंदूर। सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बे से वह सिंदूर लगाती हैं उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नया डिब्बा देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि महिलाओं को किसी के साथ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जो आपके सिंदूर की डिब्बी है उसमें से आप ही सिंदूर लगाएं, उस डिब्बी को किसी और के साथ ना बांटें। आंखों का काजल। जी हाँ, महिलाओं को अपनी आंखों का काजल किसी के साथ भी नहीं बांटना है, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि एक दूसरे का काजल अपनाने से आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कभी भी किसी भी महिला को अपना आंखों का काजल किसी और को नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो आप उसे एक नया दे सकते हैं। माथे की बिंदी। जी हाँ, हर सुहागिन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना बेहद ही जरूरी माना जाता है। सिंदूर की तरह ही बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतार कर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहते हैं तो उसे नई बिंदी खरीद कर दे दें, लेकिन अपने जो आपने जहाँ बिंदी रखी है या जिस पैकेट में बिंदी है जिससे आप बिंदी लगा रहे हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें। नई बिंदी का पैकेट आप दे सकती हैं। हाथों की मेहंदी। सुहागिन के हाथों में मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी मानी जाती है। मान्यता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उस महिला को पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है, इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। मेहंदी किसी को देना चाहते हैं तो नई खरीद के दें। अपने हाथ पर लगने के बाद जो बची मेहंदी है उसे किसी दूसरी सुहागन को न दें। अपनी हथेली पर वो मेहंदी लगाएं, यानी कि जो कोण आप अपने हाथ में मेहंदी लगाने के लिए यूज कर रही हैं वो किसी और को यूज करने के लिए ना दें। हाथों की चूड़ी और पैरों की पायल। जी हाँ, चूड़ियों और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के लिए एक दूसरे को अपनी चीजें बांट देती हैं। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता, इसलिए आप चाहें तो किसी को नई चूड़ियां दे दें। इसलिए साझा करने के चक्कर में या एक दूसरे को बांटने के चक्कर में या फैशन के चक्कर में चूड़ियां किसी के साथ भी साझा ना करें और ना ही किसी की चूड़ियां लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।